उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बारिश का आनंद लेने के लिए एक शख्स बीच सड़क पर कुर्सी डालकर बैठ गया, जैसे वो अपने ड्राइंग रूम में ही बैठा होगा। इस शख्स को सड़क पर बैठा देख छोटे वाहन उससे बचकर निकलने लगे, लेकिन तभी पीछे की ओर से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और पीछे से कुर्सी में टक्कर मारते हुए आगे निकल गया, जिसके बाद वो बुरी तरह से सड़क पर गिर गया। इस हादसे में बाल बाल उसकी जान बच गई। सड़क पर हुए ये हाई वोल्टेज ड्रामा गुरुवार का बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक इस दिन रह रहकर बारिश हो रही थी, जिसके बाद अजय सोनी नाम का शख्स बारिश का मजा लेने के लिए शहर के आर्थिक केंद्र चिलबिला चौराहे पर बाकायदा कुर्सी लेकर अयोध्या प्रयागराज नेशनल हाईवे पर बीच में ही बैठ गया। ये शख्स नगर कोतवाली के चिलबिला चौकी के पुलिस सहायता केंद्र के ठीक सामने बैठा और बारिश में भीगने लगा। अजय सोनी को सड़क पर बैठा देख छोटे वाहन तो उसे बचाते हुए बगल से निकलने लगे। इस दौरान कई गाड़ी चालकों को परेशानी भी हुई, लेकिन इस बंदे पर कोई असर नहीं पड़ा। हर खतरे से बेखबर होकर वो आधे घंटे तक ऐसे ही बारिश का आनंद लेता रहा। किसी ने उसे वहां से हटाने या रोकने की कोशिश भी नहीं की। तभी अचानक एक ट्रक तेज रफ्तार में आया और ट्रक का बम्पर कुर्सी को टक्कर मारते हुए आगे निकल गया। इस टक्कर के बाद कुर्सी छिटक कर गिर गई और वो भी वहीं गिर पड़ा और ट्रक के पहिए के नीचे आने से बाल बाल बच गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे वो बाल बाल मौत के मुंह में जाने से बचा। ट्रक चालक हादसे के बाद रुकना भी चाहा, लेकिन तभी वहां मौजूद लोगों ने उसे जाने के लिए कह दिया। इसके बाद ट्रक चला गया। इस हादसे में अजय सोनी की जान बच गई है और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई है। इस मामले पर सीओ सिटी ने कहा कि ये शख्स नशे में था।